आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आपको ले चल रहे हैं आधी रात की न्यूज में। जी हां, भिवंडी में मराठा आरक्षण को लेकर प्रांत ऑफिस के सामने कड़ी ठंडी में भी रात भर लोग धरने पर बैठे रहे, जिनकी ताजा तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उनसे उनके जो मुतालबे हैं उनकी हकीकत भी आपके रूबरू करवाएंगे, आपको जनवाएंगे कि आखिर इनके मांगे क्या है, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, धरना और मोर्चा क्यों कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र भर में किस वजह से हो रहा है इतना हाहाकार। आइए बात करते हैं उन तमाम लोगों से और देखते हैं कुछ तस्वीरें। ये आंदोलन है, हमारे हक की लड़ाई है, मराठा समाज की हक की लड़ाई है, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए। ये हक की लड़ाई जो अपने मनोज जरांगी पाटिल साहब ने जो महाराष्ट्र में जो शुरुआत की है, तो उनके पीछे पूरा महाराष्ट्र है, पूरा मराठा समाज है। और आज अपने भिवंडी शहर के मराठा सकल मराठा समाज ने भी पाठिंबा दिया है। अपने मराठा समाज के जो बेटे से भाई बंधु है, हम लोगों की भी ऐसी मतलब इच्छा है कि मनोज जरांगी पाटिल साहब को हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे, उनके पीछे खड़े रहेंगे, तो आने वाला जो कल है हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए वो अच्छा रहेगा। इसके लिए ये जो साखली उपोषण रखे हैं भिवंडी के सकल मराठा समाज ने, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी रात के 4:30 बजे है, ये मराठा समाज की एक ताकत है जो हम लोग बता रहे हैं, आंधी सरकार को दिखा रहे हैं कि जरांगी पाटिल साहब अकेले ही है, पूरा महाराष्ट्र उनके पीछे है, हर एक मराठा उनके पीछे है। और ये हमारे हक की लड़ाई हम लोग लेंगे, हमारा अधिकार हम छीन के लेंगे, नहीं तो मांग के लेंगे, फोड़ के लेंगे, फाड़ के लेंगे, लेकिन हम हमारा अधिकार लेंगे, ये हमारा मराठाओं का वादा है। सरकार को उनको टाइम दिया है, उनको टाइम में उन्होंने पूरा किना चाहिए, पूरा वादा करना चाहिए, बाकी आने वाला पिक्चर मराठा समाज उनको दिखाएंगा बताएगा, बस इतना ही दो शब्द बोल सकता हूँ मैं। एक मराठा नाता देखो, रात के 4:30 बज रहे हैं, हम जो अनशन है ये हमने कल से चालू किया है, आज रात भर और कल दोपहर को हम प्रांत साहब को निवेदन देने वाले हैं कि हमारी मांगनी जो है ये हमने मुख्यमंत्री साहब को एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है उसके ऊपर हमने दी हुई है। हमारी मांगे जब तक आगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनशन नहीं छोड़ेंगे, और जो आगे जैसे मनोज जरांगी पाटिल साहब हमको आदेश देंगे हम उस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड करके फिर आगे जैसे जैसे निर्देश आएंगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे। जय शिवराय, नाता काय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, एक मराठा, आठ मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कोणाच्या बापाचं।